लम्बुआ पहुंचे मंत्री नंदगोपाल नंदी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट, सपा बसपा पर बोला हमला। सुल्तानपुर में नवसृजित नगर पंचायत लम्बुआ में पहुंचे मंत्री नंदगोपाल नंदी सपा पर कटाक्ष करते हुए बोले, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पर बैठा गुंडा। योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी रविवार रात व्यापारी वोटों को लामबद्ध करने के लिए जिले के नवसृजित नगर पंचायत लम्बुआ पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए सपा बसपा पर हमला बोला। मंच से सपा शासनकाल की बात करते हुए मंत्री नंदी ने कहा, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उस पर बैठा गुंडा, जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता। उन्होंने आगे कहा, कैसा चलन चला था, एक बार सपा एक बार बसपा। सपा की सरकार आती थी तो यादव बस्ती में खूब काम चलता था, दलित बस्ती में काम बंद कर दिया जाता था। मंत्री ने कहा, जब बसपा की सरकार आती थी तो यादव बस्ती में काम बंद कर दलित बस्ती में काम शुरू हो जाता था, लोगों पर SC ST एक्ट लगाए जाते थे। सपा पर प्रहार करते उन्होंने कहा, आम को, नींबू को, बनिया को जितना दबाओगे उतना रस मिलेगा, ये समाजवादी सरकार में था, इनको झुकाने का काम किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने प्रदेश में कानून का शासन स्थापित करने का काम किया। मंत्री ने कहा, समाजवादी पार्टी का झंडा लगी हुई स्कॉर्पियो पर बोनट पर बैठा कर CO को सपा के नेता किस तरह से दौड़ा रहे थे, वो बेचारा कभी झंडे वाली हैंडल पकड़े तो कभी हैंडल पकड़े, कभी वाइपर पकड़े, जहां पुलिस सुरक्षित नहीं थी कहां अब हम कहां सुरक्षित रह सकते थे। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर RDS लगाकर बम से उड़ा दिया गया, जिसमें मौजूदा भाजपा विधायक विनोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि रणजीत सिंह, लम्बुआ विधायक सीताराम, काशी क्षेत्र के रामचंद्र मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया टीम। हमको 2 पैसे टैक्स ज्यादा देना हो चलेगा, हम अपनी दुकानदारी करें, हमारी कमाई पर कोई डाका ना डाले, हमारी बहन बेटी को कोई छोड़े ना। आज गुंडों में डर है कि नहीं है आप बताओ? आज इतना गुंडों में डर है, जो डराते थे हर गली के पीछे, हर मोहल्ले के पीछे, जिसकी दुकान बहुत चलती थी, वही एक तो सड़क छापने का आ जाता, चाहे लकड़ाए के चल रहा हो ऐसे, कुछ नहीं तो एक रिक्शे वाले से, ट्रॉली वाले से मारपीट कर लेता, और तब तक मारता रहता था जब तक महाजन देख न ले, दुकानदार देख न ले, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद आता था, एक पैकेट आटा दे दो, 1 नमक दे दो, 1 लक्ष साबुन दे दो, जब जोड़ के 375 मांगते थे तो दाग पीस के थैला उठा करके चला जाता था और डराता था, आप डरते थे। आज वो गुंडे और माफिया डर रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं, बाप बाप चिल्ला रहे हैं। यही हम किसी का मांग के खाने वाले नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी से आप, जब समय आया है आप, और कोई भी जब काम करता है उसकी पीठ थपथपानी, इससे कोई सरकार बन जा रही, सरकार चली जा रही, ऐसा तो नहीं है कि योगी जी की सरकार चली जाएगी, मोदी जी की सरकार चली जाएगी, अब आप वोट नहीं दोगे। लेकिन जब घर में बच्चा अपना बच्चा हो, कुछ अच्छा काम करे, पीट थपथपा दो तो और मन होता है काम करने का कि नहीं होता, बताओ बताओ बताओ, बाजार जोरदार चालू। तो यही काम करना है हमको। भाई विजय जी को आप वोट दोगे, स्कीम चल रही है एक पे एक फ्री, इनको वोट दोगे नंदगोपाल गुप्ता नंदी फ्री में मिलेंगे, और कहोगे भैया आए रहो, भाषण दिए, बड़ा गला फाड़ रहे थे, हमारा ये काम करवाओ। पहले तो यहाँ पर विधायक मंत्री सभी लोग बैठे हैं, फंस गया तो हम आपके वकील की तरह योगी जी के पास ले जाकर के रखेंगे, और आप इस बात का भरोसा, इस बात का विश्वास तो कर ही सकते हैं कि आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के पास सही बात चली भर जाए, और सही बात चली जाए तो वहां से त्वरित न्याय होता है, तुरंत न्याय होता है, और न्याय आपको मिलेगा। ऐसा करना, मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ।